आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। खबर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेड से है, जहां बीते 19 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण आए मलबे में मकान ध्वस्त हो जाने से पत्रकार आनंद नेकी और उनके दो पोतों की मौत हो गई थी, जिसकी सांत्वना देने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि स्वर्गीय पत्रकार आनंद नेगी एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जो भिकियासेड के गांव रापड़ में रहा करते थे। पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई भारी बारिश की वजह से आए मलबे में उनका मकान ध्वस्त हो गया था, जिसमें दबकर उनकी और उनके दो पोतों की मौत हो गई। उनके परिवार को हुई इस गंभीर क्षति की सांत्वना देने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके परिवारजनों के पास पहुंचे। हरीश रावत ने आनंद नेगी के परिवार को सांत्वना देने के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में दी गई उनकी उपलब्धियों को बताया। नेगी जी एक मूर्धन्य पत्रकार थे, बड़े समर्पित पत्रकार थे। उनका इस आपदा में काल का भी होना हम सबके लिए बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार से मिलने गया था और सरकार को चाहिए कि पत्रकारों के लिए जो हमने एक निधि बना करके रखी है उससे भी दें और आपदा से भी दें उसके परिवार। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक करण माहरा, कांग्रेस नेत्री गंगा पंचोली ने भी इस भारी क्षति के कारण शोक में डूबे परिवार को सांत्वना दी। रात्रि को जब वो अपने आवास पर सोए थे तो बड़ा सैलाब उनके आवास पर आया और जिसके नीचे वो दबकर उनका देहांत हुआ। उनके साथ उनके परिवार के दो और छोटे बच्चे भी उनका देहांत हुआ। सरकार, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऐसे श्रमजीवी पत्रकार भाइयों के लिए कि जो बहुत कम उस मेहनताने में बहुत निष्पक्ष भाव से जनता की आवाज़ को सामने रखते हैं, ऐसे पत्रकार भाइयों के लिए सरकार को विशेष रूप से मदद की राशि जारी करनी चाहिए। अल्मोड़ा से गोविंद रावत की रिपोर्ट।